भाइयों, मोदी का नाम सुनते सुनते मोदी जी मेरे सपनों में आने लगे। अभी कल ही परसों आए थे, मैंने पूछ लिया, बताइए मोदी जी, जो पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री बना है और बहुत तेज फेंकता है। मोदी जी बोले, श्याम रंगीला जी, भले ही पड़ोसी देश का पीएम तेज फेंकता हो, पर लंबी कौन फेंकता है। भैया, इन्होंने कहा था बदलाव आएगा, कहां है बदलाव? हमें जवाब का सवाल चाहिए। मोदी जी बोले, भाइयों बहनों, हमने कहा था बदलाव आएगा, हमारे पीएम बनने के बाद मुगल सराय स्टेशन के नाम में बदलाव आया कि नहीं आया? आया। इलाहाबाद के नाम में बदलाव आया कि नहीं आया? आया। और हम आप सबसे वादा करते हैं कि हम व्हाट्सएप का नाम बदलकर अटल बिहारी वार्तालाप गुपचुप योजना कर देंगे। भाइयों बहनों, हम बदलाव में यकीन रखते हैं। अगस्त महीना चल रहा है, यानी कि ठंडे दिन आने वाले हैं। ठंडे दिन आने वाले हैं। भाइयों बहनों, हमने आपसे कहा था बदलाव आएगा, गर्मी से सर्दी हो जाएगी। हाल ही ओबामा भारत आए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई। ओबामा जी ने उनकी प्रशंसा में क्या कहा? आदमी चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, वो अपना मूल धंधा नहीं भूलता। हाल ही मुशर्रफ भारत आए, भारत की सेना ने उन्हें 25 गोलियों की सलामी दी। काश एक गोली लग जाती, 24 गोलियां बच जाती। राहुल गांधी कहते हैं, भैया हमारे जमाने में अच्छे अच्छे गाने आते थे, इनके जमाने में कैसे कैसे गाने आ रहे हैं। इनके जमाने में गाना आया है, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, बताइए सब क्या है। मोदी जी बोले, आपके जमाने में भले चाहे जैसे गाने आते हो, हमारे जमाने में चाहे जैसे आते हो, अगर किसी को छूने से 440 वोल्ट का करंट उत्पन्न होता है, तो हम ऐसे ही विद्युत उत्पादन करते रहेंगे। मोदी जी बोले, बताइए लालू जी, आपके पास इतना धन है, आपने चारा घोटाला क्यों किया? लालू जी बोले, बताइए मोड़ीडी, जिसके पास लबड़ी है वो चारा कहां को खाएगा। धन्यवाद। ये थे अमरपाल जो आपके सामने लतीफा पेश कर रहे थे।